रियल नंबर्स सेट आर, आर के कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, तो मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी दिखाया है कि सपोज दिस इज योर एन, तो एन में अगर मैं दिस इज एन मतलब आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इसमें, 1, 2, 3 up to 16। अब उसमें अगर मैं एक नंबर ऐड कर दूं जीरो वाला, एक ही नंबर ऐड कर दूं, दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग इट 0.0, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब उसमें अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ऐड कर दूं, आई एम एडिंग ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हो गया पूरा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज जेड। अब जेड में अगर मैं ऐड कर दूं रैशनल नंबर्स, आपके जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं, देखिए इंटीजर्स तो इसमें है, लेकिन अगर मैं रैशनल नंबर सारे बात करूं, तो इसमें मैं कौन से नंबर ऐड कर रही हूं जो पी बाय क्यू फॉर्म में है, ऑल द नंबर्स व्हिच आर इन पी बाय क्यू फॉर्म, पी बिलोंग्स टू एन, पी बिलोंग्स टू जेड, क्यू बिलोंग्स टू एन ले सकते हैं, या फिर जेड माइनस जीरो, जेड में से जीरो निकाल दो वो भी चलेगा। सो दिस इज योर सेट क्यू, ओके। अब जो इरेशनल नंबर का सेट है वो इसको सिमिलर नहीं जाएगा, दिस इज आई सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सो दिस इज योर आई एंड दिस होल थिंग टुगेदर, दिस होल थिंग टुगेदर एंड दिस इज योर सेट आर। वैसे तो इन दोनों को ही इंक्लूड करना है क्योंकि सारे नंबर्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सो आई कैन से लाइक दिस आल्सो कि ये दोनों को अगर मैं इंक्लूड कर दूं, सो ये आपका बन जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों का एडिशन तो नहीं बोल सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे यूनियन, तो यूनियन बोल सकते हैं, सो दिस इज टुगेदर, बोथ टुगेदर इज योर सेट आर। बाहर का जो है वो नहीं आएगा, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिला के आपका बन जाएगा जेड, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज योर सेट आर, ओके। तो अगर मुझे सबसेट के फॉर्म में लिखना है तो आई कैन से एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ जेड, जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू, Q is a subset of R, तो मतलब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि N is a subset of R, बीच वाले सारे निकाल दो, R में positive integers है ही, so N is a subset of R, ऐसे भी लिख सकते हैं, W is a subset of R, Z is a subset of R, Q is a subset of R, अब एक रह गया that is I, I is a subset of R, directly लिख सकते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकती N is a subset of I, आई में कौन से नंबर है, सिर्फ इरेशनल नंबर्स आते हैं, आई में सिर्फ इरेशनल नंबर्स है, सो आई कैन नॉट राइट एन इज अ सबसेट ऑफ आई, ओके। सबसेट मींस व्हाट, सबसेट मींस व्हाट, ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में है, ए में जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज आई एम टेकिंग 1, 2, सो 1, 2 बी में भी है, 1, 2 लाइज इन बी, ठीक है। सब सेट ये वर्ड बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ेंगे ना पावर सेट, उसके साथ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसेट मींस क्या, सबसेट इटसेल्फ सेज इट इज अ सेट, ठीक है। तो ये वाला सिंबल हम कब यूज करेंगे, जब सेट होगा, और ये वाला सिंबल हम कब यूज करेंगे, जब एलिमेंट होगा, वन इज अ एलिमेंट ऑफ ए, सो आई से वन बिलोंग्स टू ए, याद है ना फ्रेंड्स, दिस इज बिलोंग्स टू, वन इज इनसाइड ए, तो मतलब क्या जाएगा आपका बिलोंग्स टू, एंड वन होल इज इनसाइड सेट बी, वन के जितने एलिमेंट है वो सेट बी में है, वन इटसेल्फ अ सेट, तो मैं उसको बी का सबसेट बोल सकती हूँ। डॉट का क्लियर दिख रहा है गाइस? यस मैम। ओके फाइन, चलिए, सो दिस इज योर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इन अ सेट आर, आप ऐसे बोल सकते हैं कि
ये सारे एलिमेंट्स जो है, ये सारे जो सेट है वो सबसेट है आर के. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंटरवल्स. अब आर को हमने जब भी लिखा ना तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं लिखा. मैंने जब भी आर को डिस्क्राइब किया, देखिए मैंने एन को डिस्क्राइब किया तो मैंने क्या बोला कि सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. फिर हमने कैसे लिखा कि सपोज 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, तो ऐसे डिस्क्राइब किया था. लेकिन ओके अब इंटरवल्स, हाँ ये थोड़ी थोड़ी नवी की याद आ गई. अभी आप याद मत कराओ, नवी अब देखने नहीं जा सकते. 10th का पूरा वैकेशन चला गया कोरोना में और हमने एक भी मूवी नहीं देखी. क्या क्या प्लान करे थे. ओके, तो ये वाला इंटरवल बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है. क्या दिखा था इंटरवल मीन्स क्या कि आपकी पिक्चर स्टार्ट हुई फिर समवेयर इट स्टॉप अगेन इट स्टार्ट, ठीक है, तो ये है आपका इंटरवल. तो वही चीज मैथ्स में भी यूज की है, दैट्स व्हाई दे यूज दिस वर्ड इंटरवल्स. तो हमारे पास दो टाइप के इंटरवल है, ओपन इंटरवल जो मैं ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट करूंगी उसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे, एंड क्लोज इंटरवल जो हमारा बिग ब्रैकेट करेंगे समथिंग लाइक दिस, बॉक्स ब्रैकेट भी बोल सकते हैं आप, तो उसको हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे. तो ये दोनों मिला के टोटली हमारे पास ऑल फोर टाइप्स इंटरवल है जो किसके लिए यूज होते हैं, फॉर ऑल नंबर्स इन आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए. अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है. सो योर फर्स्ट इंटरवल नंबर वन, देखिए पहले मैं सेट ए के फॉर्म में लिखती हूँ. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स कैसा है आपका ए से बिगर एंड बी से स्मॉलर. देखिए अब इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि मैं यूज नहीं कर सकती ए को, आई कैन नॉट यूज ए, आई कैन नॉट यूज बी. तो अगर मैं लंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, सो व्हाट इज योर ओपन इंटरवल, ए एंड बी कैसे मिलेगा आपको. सो जो मिडल वाला एरिया है दैट इज योर, ये जो एरिया है इस पे जितने भी नंबर पॉसिबल है क्लियर नहीं है. यस बेटा देखिए कल ही हमने किया था कि x उसका उल्टा कर देती हूँ मैं. सपोज 5 और 7 के बीच में आपका x है, ठीक है, तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे और क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो आई कैन नॉट टेक 5, आई कैन नॉट टेक 7, लेकिन ऑल द मिडल वैल्यूज मतलब अब सिर्फ 6 नहीं है आपके पास, वी डोंट हैव ओनली 6 हियर. अब आपके पास 5.01 भी है, 5.9997 भी है, आपके पास 6.00001 भी है. ओके, ऑल नंबर्स लाइक बिटवीन दिस थिंग, दिस लाइन. ओके, बहुत एक वंडरफुल चीज बोल सकते हैं कि बिटवीन लिमिटेड बाउंड्रीज वी हैव अनलिमिटेड पॉइंट्स. ऐसे कुछ सुना है कि बाउंड्री हमारी है फिर भी देर आर अनलिमिटेड पॉइंट्स, विथ लिमिट वी हैव अनलिमिटेड, है ना. तो इसको अब लिखेंगे कैसे, इन द इंटरवल फॉर्म वी कैन राइट इट लाइक दिस. आप बोल सकते हैं इसको ओपन इंटरवल,
दोनों साइड ओपन इंटरवल है, सो यू कैन से इट इज ओपन इंटरवल ए एंड बी, ओपन इंटरवल ए एंड बी। अगर इतना सारा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ओपन इंटरवल 5 7। ओके गाइस, ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके फाइन, तो अब बाकी सारे समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, नंबर टू, दैट इज अब क्लोज इंटरवल। टीचर एक बार फिर से समझाना ओपन इंटरवल। हाँ बेटा, क्या है ओपन इंटरवल में, आपको ए एंड बी, सपोज आपका 5 एंड 7 है तो 5 और 7 यूज नहीं करना है, यू कैन नॉट टेक 5 एंड 7, लेकिन उसके मिडल में जितनी भी वैल्यूज है, उसके बिटवीन जितनी, सॉरी मिडल नहीं, उसके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है, यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज। सपोज मुझे 0 to 1 बोला है, सपोज मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि आपको 0 एंड 1 लेना है, लेकिन 0 और 1 नहीं लेना है, बिटवीन वैल्यूज लेनी है, तो क्या होगा, 0.005, 07, 0.7, 0.11, 0.99, ठीक है, वो सारी वैल्यू इंक्लूडेड हो जाएगी ओपन इंटरवल 0 1 में। आपको 0 यूज नहीं करना है, आपको 1 यूज बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने ये जो अपने होल बनाया है, अब होल को हम उसमें कुछ भर रहे हैं, व्हाट इज दैट, दैट नंबर। अब इसको मैं लिख रही हूँ बी एक्स वेयर। देखिए अब मुझे ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है। ए एंड बी इज एनी रियल नंबर, ए एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसकी फिगर कैसे जाएगी, फिगर ऐसे जाएगी, देखिए यहाँ पे सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, जरूरी नहीं है कि मिडल में ही आए, ठीक है, दिस इज योर नंबर लाइन, सो यू कैन स्ट्रेच इट इनफाइनाइटली। तो यहाँ पे मुझे ए को भी इंक्लूड करना है, बी को भी इंक्लूड करना है, और बिटवीन के जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स भी लेने हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एग्जांपल ले लेते हैं एक और, एज फॉर एग्जांपल सपोज बी है मेरे पास एक्स सच दैट 3 > x = 5। तो मतलब क्या करना है, मुझे 5, 3 एंड 5 के बिटवीन जितने भी नंबर्स आते हैं वो तो लेने ही हैं, इंक्लूडिंग 3 एंड 5। क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग 3 एंड 5 नंबर्स बिटवीन ए एंड बी प्लस इंक्लूड ए एंड बी आल्सो। जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे वो नंबर इंक्लूड करना है, जहाँ पे इक्वल टू नहीं है यू कैन नॉट इंक्लूड दैट नंबर इन योर इंटरवल। जब हम स्मॉल ब्रैकेट कर रहे हैं सो इटसेल्फ इट सेज दैट यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस नंबर। ओके वो क्या बोल रहा है कि यू कैन नॉट इंक्लूड मी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना तो 5 मना कर देगा, यू कैन नॉट इंक्लूड मी, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, सो 3 हक से बोलेगा कि मैं तो आऊंगा। अभी जो है कोरोना की सिचुएशन तो क्या बोल दिया, अगर कोई रिलेटिव के मैरिज है तो 50% आर अलाउड, तो अगर आप क्लोज क्लोज रिलेशन में हो तो क्या होगा, आपको इंक्लूड करेंगे, आप ओपन इंटरवल में हो मतलब दूर के रिलेटिव हो सो आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल, क्लियर, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट बच्चा? अब दोनों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, सॉरी बेटा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इंटरवल? डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इंटरवल इज ओनली दिस कि इन ओपन इंटरवल यू कैन नॉट इंक्लूड दिस टू पॉइंट, इन क्लोज इंटरवल यू हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो लास्ट आपकी बाउंड्रीज है ना 5 एंड 7, 3 एंड 5, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है सो यू कैन नॉट इंक्लूड, यहाँ पे यू हैव क्लोज इंटरवल। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्लोज इंटरवल कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल लिखेंगे लाइक दिस, क्लोज इंटरवल ए एंड बी, कैसे बोलेंगे, वी आर गोइंग टू से
क्लोज इंटरवल ए एंड बी, दिस इज योर ओपन इंटरवल ए एंड बी, दिस इज योर ओपन इंटरवल ए एंड बी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ओके। अब दोनों का मिक्सचर कैसे होगा? अब दोनों की खिचड़ी होगी। देखो, पहले होगा ओपन क्लोज इंटरवल। तो गाइज अब तो क्लियर है, जहां पे ओपन है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला नंबर मैंने ओपन लिखा है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, ओपन ए एंड क्लोज बी। ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर? ओपन ए एंड क्लोज बी। तो अब अगर उसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सो एक्स सच दैट ए इज नॉट इंक्लूडेड, तो मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे यू हैव टू इंक्लूड बी। एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब अगर मुझे फिगर ड्रॉ करनी है तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। देखिए यहाँ पे मैं होल बना रही हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे ए को इंक्लूड नहीं करना है, आई कैन नॉट इंक्लूड ए बट आई कैन इंक्लूड बी। सो यहां से आपकी सारी वैल्यूज यहां तक टोटल जाएंगी, ओके? यहां से सारी वैल्यूज यहां तक आएगी, ए को इंक्लूड नहीं करना है। वाई? बिकॉज देयर इज नो इक्वल टू हियर, देयर इज ओपन ब्रैकेट, बी को यू हैव टू इंक्लूड, ओके? चलिए नंबर फोर, अब उल्टा, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो क्या पहले क्लोज है तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? पहले क्लोज एंड देन ओपन। तो अगर मुझे लिखना है फॉर्मेट में, तो d इक्वल टू x सच दैट a इज लेस और इक्वल टू x लेस देन b। अब b को बाय बाय बोल दिया, b को बोल दिया कि आपको शादी में नहीं आना है, a को बोल दिया कि भैया आप आ जाओ, ए को बोल दिया यू आर इंक्लूडेड, बी को बोल दिया यू आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, सो यहाँ पे होगा आपका होल और ये नंबर इंक्लूडेड है, सो दिस इज योर क्लोज ओपन इंटरवल ए एंड बी। सॉरी मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, सॉरी क्लोज कर दिया, ये होगा क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस मैम। पावर सेट, तो पावर सेट, व्हाट इज द पावर सेट? अगर मेरे पास सेट ए इक्वल टू 1, 2 है, देन आई कैन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। वी डिनोट इट बाय पी ऑफ ए। देखिए दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। जब भी ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग बोलेंगे कि राइट ऑल द सबसेट्स, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए लिखना कैसे है? सिंबल तो हमने यूज कर लिया, पावर सेट ऑफ ए लिखना कैसे है? तो ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उसमें पहली प्रॉपर्टी ये जाएगी, विच वन? फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाई, एम्प्टी सेट। सेकेंड वन, फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो, फाई इज अ सबसेट ऑफ इट itself also। number 3 क्या होगा? okay, वो आपने किया हुआ है, a is a subset of b, then each and every element of a lies in b, बाकी सारे जो properties है subset की, जैसे ही मैं next definition पे जाऊंगी union set, उसके बाद करवाऊंगी,
तो अभी ये जो है phi is a subset of all set, तो मतलब यहाँ पे a लिखने से पहले मुझे क्या लिखना है, phi लिखना है। अब क्या करना है, step by step जाना है। सिंगल एलिमेंट पहले लो। देखिए हमने डेफिनेशन कैसे पढ़ी, पहले नंबर वन एम्प्टी सेट, तो मैंने एम्प्टी सेट लिख लिया। अब मुझे सिंगलटन सेट लिखना है, तो सिंगलटन सेट कैसे बनेगा, तो मैं सिर्फ एक एक एलिमेंट ले रही हूँ, ओनली वन वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट वन ले लिया, देन आफ्टर आई एम टेकिंग टू, अब जीरो, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, तो देयर इज ओनली टू एलिमेंट्स, तो ये मेरा पूरा सेट ए आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए के बदले वन टू लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट, और यू कैन राइट ए ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब ये वाला जो रिजल्ट है, जो प्रॉपर्टी है फाइ की, वो मैं बाद में लिखाने ही वाली हूँ आपको, सो अभी मैं निकाल देती हूँ। वी आर टेकिंग टू थ्री मोर एग्जाम्पल्स। चलिए सपोज b इक्वल टू वन टू थ्री है, सो देर आर थ्री एलिमेंट्स, तो कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ b, पहले तो हमें phi लिख ही देना है, जीरो नंबर वाला सेट या फिर एम्प्टी सेट। नाउ सिंगलटन सेट, वन टू थ्री, चलो सिंगल सेट की बारी हो गई। अब आएगा डबल मेंबर वाला सेट, टू मेंबर्स वाला सेट, सेट हैविंग टू मेंबर्स, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए वन टू, वन और टू को कनेक्ट किया, वन को अभी रहने दो, कीप इट एज इट इज, उसके साथ थ्री को कनेक्ट कर दो, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स वाई प्लस जेड, तो कैसे करते हैं, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो वैसे ही मैंने कर दिया। क्या किया मैंने, वन को एज इट इज रहने दिया, वन के साथ टू जोड़ा, देन आफ्टर आई टेक वन एंड थ्री, ओके। अब चलिए नेक्स्ट, अब मैं जाती हूँ, देखिए अब वन के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप वन टू लिखो, टू वन लिखो, इट डजेंट मैटर, क्यों, क्योंकि इन अ सेट ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर इज इमटेरियल, ठीक है। सो टू वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, थ्री वन लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब जाते हैं टू पे, सो टू थ्री, अब और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है, दो मेंबर्स हो ऐसा सेट हैविंग टू मेंबर्स, उसमें इतनी ही पॉसिबिलिटी आएंगी। तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज, थ्री नंबर सेट, तो वो कितने हैं मेरे पास, वन टू एंड थ्री, मतलब मेरा सेट हो गया बी पूरा, ओके। तो मैम ये कुछ नंबर पता चल सकते हैं कि कितने मेंबर्स आएंगे, तो हमें आइडिया आए कि मुझे कहाँ तक जाना है। सो यस देयर इज अ फॉर्मूला, हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स इन अ पावर सेट ऑफ ए, सो there is a formula, excuse me ma'am, yes ma'am, yes beta, ma'am it is compulsory to write the null set in the beginning of the power set, yes, step by step hi jayenge, pehle empty set, then singleton set, then double, triple, whatever, okay, up to jahan tak aapko set given hai, so members in a power set of A, there is a formula, number of P of A, देखिए power set of A में कितने members है, number of power set of A is equal to 2 की power कितनी जाएगी, n, set A में अगर दो elements है, so I can say number of P of A, कितने elements है set A में, two elements are there, so you can say 2 raised to 2, why, because there are two elements only, so your members are 4, dekhiye 1, 2, 3 and 4, if I have 3 elements, set B mein mere paas kitne elements hai, so there is 3 elements, so I can write 2 raised to 3, dekhiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, matlab जैसे जैसे यहाँ पे एक एक नंबर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी टू की पावर बढ़ेगी। तो सपोज देयर इज अ फोर एलिमेंट इन योर सेट, सो यू विल गेट 16 एलिमेंट, 16 सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा था,
दैट इज अ टू डिफरेंट थिंग्स. पावर सेट ऑफ ए तो लिख लिया, लेकिन वो कैसे बनता है? वो बनता है प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स. सो व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? तो जब सबसेट की बात करें तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वन लाई इन ए, टू लाई इन ए. बट वन टू अगर मैं ले लू तो क्या बन गया? पूरा सेट ए बन गया. तो अगर ए को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इटसेल्फ इज इक्वल टू ए. तो मतलब जब इक्वालिटी आती है, जब इक्वालिटी की बात आती है, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. जैसे मैंने लिखा था कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ ए, वैसे ही मैं लिख सकती हूँ ए इटसेल्फ, एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो जब मैं ए की बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि ए इक्वल टू ही ए होगा. सो देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. मतलब जो भी आपका सेट है वो इटसेल्फ इम्प्रॉपर सबसेट होगा. बाकी सारे जो है, फाई, सिंगलटन सेट एंड ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, कौन सा हमें छोड़ देना है? एक्सेप्ट सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट. इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. मतलब ये जो यहां तक मैंने लिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां पे मैं स्टॉप कर दूंगी. सो दिस ऑल आर इन प्रॉपर सबसेट. एंड यहां पे पी लिखा है, यहां पे ए लिखा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो जेई में पूछते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, पहले आपको सेट बनाना पड़ेगा. वहां पे इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको सेट बनाना पड़ेगा. देन आफ्टर दे आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. सो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू, क्या होगा, हमें एक ही मेंबर डिलीट करना है, कौन सा वाला, सेट इटसेल्फ. सो टू रेस टू एम माइनस वन. तो यहाँ पे कितने प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे? अगर मैं सिर्फ ए को निकाल दू, ये ए निकल गया तो क्या होगा, वन टू थ्री, देखिए फोर माइनस वन, दैट इज प्रॉपर सबसेट. यहाँ पे क्या होगा, एट माइनस वन, कौन सा निकालना है, सिर्फ बी निकालना है. सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. एंड सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक है, सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट. ओके, तो वो उसका नंबर कितना होगा, ओनली वन, उसका नंबर ओनली वन होगा. जो यहां से मैंने डिलीट किया वो यहाँ पे है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, देन इट इज कॉल्ड पावर सेट और सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है गाइस, क्लियर? टीचर, यस बेटा. व्हाट इज दिस एन, और व्हाट इज दिस एन, मतलब सेट ए में आपके कितने एलिमेंट्स है. यहाँ पे मैं एन भी लिख सकती हूँ, एम भी लिख सकती हूँ. विच सिंबल आई वॉन्ट टू यूज, आई कैन यूज, मतलब वॉट इज दिस, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. एन, एन लिखो, एम लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिक्यूलर गिवन सेट. ओके, सो यूनिवर्सल सेट, तो वी नो अबाउट यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स नॉट अ थिंग विच इंक्लूड्स ऑल थिंग्स इनसाइड इट. तो मतलब यूनिवर्सल सेट भी ऐसा ही सेट है, सेट विच कंटेन्स, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. ऑफ आवर नीड्स मतलब हमें क्यों चाहिए भाई एलिमेंट्स? टू डू ऑपरेशंस ऑन सेट वी नीड एलिमेंट्स, वी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स. सो जो सेट
कंटेन करता है ऐसे एलिमेंट्स को, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट का कोई एग्जाम्पल डायरेक्टली नहीं हो सकता, वी नीड वन और टू सेट्स लाइक ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4, सी इज इक्वल टू 5, 4, 3, 7, 8. अब इन तीनों सेट पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना है, सो आई रिक्वायर्ड अ यूनिवर्सल सेट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, यू एज यूनिवर्स, एज अ यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, व्हाट इज यू, यू कैन टेक एनीथिंग. इसमें जो जो भी सेट जिसमें ये सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, ऐसा कोई भी सेट आप ले सकते हैं. लाइक आई कैन टेक यू इक्वल टू 1, 2, up to 8, और आई कैन टेक यू इक्वल टू 0, 1, 2, up to 10, और आई कैन टेक यू इक्वल टू n ऑल्सो. लेकिन हमें क्या करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही जाना है. तो सपोज 1, 2, 8 में मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, सो टेक यू इक्वल टू 1, 2, 8, अदरवाइज यू कैन टेक दिस टू ऑल्सो, नो नीड टू वरी, यू कैन टेक एनीथिंग. लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 1.3. लेकिन उससे पहले थोड़े से प्रॉपर्टीज है सबसेट के बारे में, प्रॉपर्टीज और यू कैन से रिजल्ट ऑफ सबसेट्स. तो नंबर वन, फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. नंबर टू, एनी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो. नंबर थ्री, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट हो आपका, सो यू कैन से फाई इज अ सबसेट ऑफ ए. नंबर फोर, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए है तो मतलब यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही. नंबर फाइव, यू कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ यू. कोई भी सेट जो होगा, देखिए आपने एलिमेंट्स ऐसे ही लिए, यूनिवर्सल सेट ही हम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो भी रिक्वायर एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए. सो यू कैन से दैट ए इज अ सबसेट. देखिए 1, 2 है तो यहाँ पे 1, 2 है. अगर मुझे 3, 4 चाहिए, सो 3, 4 इज ऑल्सो इन साइड इट, सो यू कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ यू. सो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी फॉर वी आर गोइंग टू यूज इट, ओके, इन मैनी सॉन्ग्स.